السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لیکچر في الاكتب كراني كورس المسلمين بسم الله على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغتهم من لساني يفقهوا قولي سوره الفرقان مكي سورتها ستة ايات دور بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ, يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل पुल श्रो तक मक़ है वह ज़ा जिसने अपने बंदे पर फ़ुरान कुरान नाद किया ताकि वो कल अलम के लिए बुरेजाम से डरानाने वाला बन जाए वही ज़ात है जो आसमान जमीन की बादशाही के मालिक है जिसने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया ना ही उसकी हुकूमत में कोई शरीक है इसने हर चीज़ को पैदा किया था और इसको ठीक ठाक अंदाजे से पैदा किया है बाबरकत है वो जिसने अपने बंदे पर कुरकान हासिल किया बाबरकत तबारक का मतलब है बरकत वो किसी चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा मुतव या गैर मुतव होने वाले फ़ायदों का हासिल हो जाना बरकत कहलाता है बाबरकत बरकत वो ज़ात है जो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा मतवे और ग़ैर मुतव फ़ायदे पहुँचाने वाली है अलावा ऐसे ही क्या है तबारक का महीने बुलंदी और तकदस के मफह में भी पाए जाते हैं और ये लफ़्स अल्लाह की ज़ात के साथ ही मखसूस है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुर्कान अद किया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत से मुकाम पर अपने प्यारे रसूल के लिए अब का रफ़ इस्तेमाल किया है इसकी वजह यह है कि पहली उम्मतों ने अपने रसूल की शान में अकीदत अक़ीदतमंदी की बिना पर गुफ़ किया और इन्हें इनके हकीकी में मुक़ाम से उठा के अल्लाह के साथ जा मिलाया यहूद ने कहा और जैराम के में अल्लाह ताला ने हलूल किया है और वो अल्लाह के अवतार हैं इंदुओं का भी इसी तरह के कॉन्प्ट है ईसा ईसीम को अल्लाह का बेटा भी कहा और बल्कि से बढ़ के अल्ला ही बना दिया इसीलिए इसलिए के बारे में अल्फाज़ में अपनी उम्मत को तम यही फरमाएँ कि मुझे मुझे मेरी हद से ज़्यादा ना बढ़ाना चढ़ाना जैसे ने सारा ने मरियम को बढ़ा चढ़ा दिया तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ तुम यो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हो और फुरकान कुरान नाजिल किया ताकि कि वो कर आलम के लिए बुरे अंजाम से डराने वाला बन जाए फुरकान का भी मुबारक का जिक्र है यानी हक को बातिल को और कुफर ऐमान को बिल्कुल अलग अलग कर दे के दिखा देने वाला इससे मुराद कुरान है जिसने ऐमान उसके मुकाबले में कुफर और शेर को नफा की एक एक खसलत को यू वाजे कर दिया है कि उसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा और बास उन्होंने तो फुरकान से मुराद

कुरान मुराद लेने की में मफूम यह है कि कुरान सब लोगों के लिए तकियामतों की हिदायत किताब, हिदायती किताब है और साहिब कुरान मुराद लेने की में मफूमू यह होगा कि आप आपतामत तमाम तर लोगों के लिए अल्लाह के रसूल हैं कुरान हो या साहिब कुरान दोनों का मकसद एक ही है लोगों को उनके बुरे अमाल के बुरे अंजाम से खबरदार किया जानाज़ी

और बेटा चूँकि मखलूक नहीं होता और हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है तो उसका किसी से नस्बी तारुक होने तो खुद नफी हो जाती है यानी अल्लाह की औलाद नहीं है वरम या तिर मगर कहे इन्होंने ना ही उसका कोई बेटा है ना ही उसकी हुकूमत में कोई शर्क है मगर कुछ लोगों ने ईसाइयों ने मुबास फ़िरकों ने कहे अल्लाह की औलाद होने को और कहे अल्लाह तारा के साथ शर्क करने को अपने दिन का हिस्सा बना ली है अपने कायद का हिस्सा बना ली है तो वो कह उसकी नफ़ी की जा रही है कि ये दुरुस्त बात नहीं है और उसने हर चीज़ को पैदा किया है और उसके ठीक ठाक अंदाजे से पैदा किया है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ख्वाब व जानदार है या बेजान पैदा भी किया है फिर उसने हर एक चीज़ का वजीफ़ा उसके कवानीन में बना दिए हैं जिनसे वो तजावज़ तो नहीं कर सकती मसल कोई जानदार ऐसा नहीं जिसे मौत से दो चार न होना पड़े हर चीज़ जो बनती है वो जरूर किसी ना किसी वक्त बहाना हो जाती है पानी के लिए मुमकिन है कि वो किसी वक्त के वो की तरफ बहना शुरू कर दे या पस्ती की तरफ बहना रुक जाए ना आग के लिए मुमकिन है कि वो ठंडक में जाना शुरू कर दे और इसी तरह के कि आप किसी कुत्ते को उमदा और बकसर के खिलाफ ला कर घोड़ा की कद के बराबर नहीं कर सकते गर्ज़ हर एक चीज़ के लिए एक कुछ हदूद को जो वज़ाइफ अल्लाह ताली ने मुकर कर दी है और यही हर चीज़ के अल्लाह ताली अंदाज़ा है बत्तकून और लोगों ने अल्ला के साथ कोई और इलाह बना डाले हैं जो कोई चीज़ पैदा की तो क्या खाक़ करेंगे वो तो ख़ुद पैदा किए गए हैं खुद अपने नफस नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं ना ही किसी को मारने का जिंदा रखने और मुद्रदा उठा सकने का कुछ इख्तियार है क्या बात हो रही है बात हो रही है कि क्या कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह बना डाले हैं लोगों ने और इलाह कैसे हैं जो खुद खाक के बने हुए हैं अकीदा के अलूहियत के कई मीर बयान किए जा रहे हैं मुशरक़ों को आम दावत दी जा रही है कि वो अपने महबूदों के इन मीनारों में जान सके कि फिर बताएँ क्या वो अलूहियत में उनकी कोई शुबा पाया जाता है जो हस्ती कोई चीज़ पैदा ना कर सके या किसी चीज़ की खारिज ना हो तो वह मबूत हो ही नहीं सकती जो चीज़ ख़ुद पैदाशुदा हो मखलूक मخ, हो, हो ही नहीं सकती और जिस चीज़ में खुद फला हो जाना हो वो इला हो ही नहीं सकती तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की मखलूक हैं लिहाजा इनमें कोई चीज़ अदूर्य की मेरा में पूरी नहीं हो सकती इसी तरह कोई हस्ती जो दूसरे फ़ायदा और नुकसान पहुँचा सकती हो और दीगर हाथ या मुश्किल खशा भी ना हो तो वह अला नहीं हो सकती यही वो सफ़ात हैं जिन्हें मश्री अल्लाह के पास दूसरी हस्तियों में ख्वासी जानदार हो या बेचान जिंदा हो या मुर्दा तस्लीम करते हैं कि उसी की यही कसम सबसे ज़्यादा आम है उसी का जवाब अल्लाह ताली ने दिया है ना ही उन्हें किसी के मारने का जिंदा रखने का अख्तियार है और ना मुद्दा को उठा सकने का कुछ अखियार है अलूियत के पाँचवा मयार खास मैार क्या है वह जो किसी चीज़ को जिंदा कर सकती हो मार भी सकती हो मुर्दा चीज़ को ज़िंदा कर सकती हो अल्लाह की यह शान है कि वो हर लोग जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज़ें निकालते हैं मगर यही सफात किसी और मबूद में जो लोगों के खुद साख्ता बनाए गए मबूद हैं उनमें नहीं है वही इसी से पता चलता है कि के समा अल्लाह के समा कोई अला नहीं है वी गफर आना ही कम आर्न तो मशजूर है जिसे इसने खुद बना डाला है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है कितना बड़ा झूठ और म्म है ये जिसमें ये लोग उतर नहीं आते यानी जिस झूठ पे ये उतर आए हैं यानी जिस झूठ को ये सच मान रहे हैं यहाँ पे काफिरों की बात हो रही है कि इन्होंने क्या है झूठ कर लिया है कि क्या है ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से कलाम नहीं है बल्कि खुद साख्ता घड़ा हुआ कलाम है कुरान को तस्नीफ करने का इल्ज़ाम लगाया मुशरकिन मक्का ने और आज के मुशतरकिन भी अपनी तहकीक़ में कुछ इसी तरह के इल्ज़ लगा रहे हैं कि रसोल्म ने कई नबूत से पहले कई तजारे सफ़र के यूदो न सारे के इमां से मिले इसीलिए इन्हीं की मुलाकातों के वजह से आपने इल्म हासिल किया और इस इल्म को फिर क्या है कुरान की सूरत में पेश किया और यही कैसे अम्बियाँ हैं जो सब सबका सबका के इन से आपको मिले हैं और इसके बाद आपने नबूत का दावा कर दिया तो ये मुस्तरी तो मक्का के एतराज़ा थे कि नबीसन ये इस किताब को खुद घड़ रहे हैं मुसन्फ़ हैं इस किताब के तो उस चीज की तरद की, की जा रही है कि कितना बड़ा झूठ बड़ा तुम ये कह रहे हैं तो فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا رجلا مسحورا <applause> ويهي لو جو قرآن فج بجهور يهي لو کہتے ہیں کہ پہلے قوموں کی وداستان نقل सो ये दास्तानें सुबह शाम इनके पास पढ़ के सुनाई जाती हैं आप इनसे कही कुरान को उसकी ज़ात ने नाजिल किया जो आसमानों और ज़मीन के भेद जानता है और यकीन बहुत बख्शने वाला और अहम फरमाने वाला है नीज कहते हैं कि ये कैसा रसूल है खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है इसमें कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया जिसके साथ रहता है लोगों को डराता इसे ऐसे इससे खुजाने उतार दिया जाता है उसका कोई बाघ होता इसे इतमान की रोज़ी हासिल कर सकता और ालम कहते हैं तुम तो एक जादूशुदा आदमी के पीछे लग गए हो इन आयात से पता चलता है कि कुरान को नाजिल करने वाला सिर्फ़ एक आला ही हो सकता है इसके बाद एक ही सूरत बाकी है जैसे कि कुरान किसी ऐसी बाखबर और हस्ती की तरफ से नाजिल हुआ है जो माजी के हालात से खूब वाकिफ है इन्हें यहूदों नसारा के खालस्तानियों को भी खबर है जमाने हालात हाल के हालात में भी बुरी तब बाबर है और आने वाले हालात के बारे में भी खूब इल्म रखता है फिर इसका अंदाज़ा ख़ता बड़ा नशीन असर करने के लिहाज से दिल की गहराइयों तक तो उतर जाने वाला है और इसके मुकाले कलाम पेश करना नाम के मुमकिन है तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही हो सकती है जिसका ये कलाम है ये ख़ुद साख्तर घड़ा हुआ कलाम नहीं है फिर कुफार का ये जाहिलाना इतराज़ कुरान में मतदी बात दोहराया गया है कि वो कहते है कि रसूल कम अज़ कम कोई महाफूक बशर हस्ती होना चाहिए था जो हमारे आम इंसानों जैसे ना हो और दुनियावी धंधों से आज़ाद हो तारीख दुनिया किस्म के लोगों में से हो इस एतराज़ का जवाब पहले कई मकाम पर दिया जा चुका यह है यानी वो काफ़ी जो इस पैगम्बर की बात को तोनीम तो नहीं करता फिर इससे तरह से डराता धमकाता या मार मार कर कुछ उम्र निकाल लेता है ताकि लोग नबी की दावत का इनकार करने की जरूरत ना कर सकें इस तरह इसकी अपनी ही एक जमीयत बन जाती है एक ग्रोह बन जाता है इस पैकम्बर को कम अज़ कम फिक्रमाशत और आज़ाद होना चाहिए ये उनके कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं जो एतराज़ात भी हैं वो है कि क्यों नबी क्या है उनके एक हम जैसे आम इंसान हैं दूसरा उनका एतराज किया था कि वो क्यों बाज़ारों में चलता फिरता है तरह खाता पीता है तो अल्लाह फरमाते हैं के, के पकम्बल ऐसा हो जो फिक्र मार्च से आजाद हो अगर कोई रईस खानदानों का मालिक होता तो लोग ख़ुद इसकी मुलाकात की आज़ू करते हैं ये जिसे चाहता है इजाज़त देता ना देता और हाथ बार्ट बार के साथ रहता और ख़ज़ानों का मालिक तो नहीं कम अज़ कम किसी बाग का ही मालिक हो जाता है जिससे इसकी ज़िंदगी गुजर बसर होती उनके नज़दीक नबी की एक ये खुशिया खसूसियात तो होनी चाहिए थी कि कहे वो फ़िक्रमा से आजाद होता रईस होता ख़जानों का मालिक होता अगर खजानों का मालिक ही नहीं तो कहें किसी एक बाग का तो मालिक हो जाता फिर एक इल्ज़ाम के क्या है एक जादू जादुशा आदमी के है हैं और जिसके पीछे लोग लग गए हैं अरब दीवानगी की तीन रजू समझाए जाते थे कि एक एक शख्स किसी पे जिन भूत का साया पड़ गया हो दूसरा यह कि किसी महाबूत किसी बुध किसी देवी देवता किसी बुजुर्ग की शान में गुस्साखी की हो तो उसकी मार पड़ गई हो तीसरा यह कि जादूगर ने इस पर जादू करवा दिया हो गुफार में कहा पर वक्ता फैसे तीनों इंजामत की लगातें इस मुकाम में तीसरी किस्म का जिक्र हुआ है कि क्या है आप पर किसी ने जादू करा दिया है انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستدون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجد لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأتتنا لمن كذب بالساعة سعيرا والآن نبی صلى الله عليه وسلم غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لئے کچھ طرح کے مثالیں بیان کرتے ہیں یہ ایسے گمراہ ہوئے کہ راہ راست پہ ہی نہیں آ سکتے اور بڑی بڑا ہے وہ ذات جو چاہے تو آپ کو زمینوں سے بھی चीज़ों से इन चीज़ों से बेहतरीन चीज़ें दे सकती है एक नहीं कई बाग जिनमें नहने जा रही हूँ कई महल दे सकती है लेकिन बात यह नहीं कि ये लोग वो असल में क्यामत को छुटला रहे हैं जो क्यामत को जुटलाए हम इसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है यानी इस शख्स ने अल्लाह पर झूठ के बांधे हैं इन कुफार को ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह के इल्जाम लगाए और इन को लोगों को इस वही से दूर करें इस कलाम से दूर करें तो ये सब क्या पहले कहा झूठ बांधा है फिर क्या क्या है कुरान खुद तस्नीफ कर डाला है कि कभी शायर है कभी साहिर है कभी जादूगर है कभी मशहूर है इनके पास एक मौकाफ़ ही नहीं है कभी कहते फरिश्ता होना चाहिए कभी कहते बशर ही होना चाहिए कभी कहते हैं कि फरिश्ता ही रहा होता तो ज़्यादा बेहतर था अगर नबी है तो दौलत क्यों नहीं है ये सब बातें दरअसल इनकी हक को कबूल ना करने के बहाने हैं हर हरदर्मी और तस्ब ने इनको अंदा कर रखा है और ऐसी बेतु की बातें बनाने पर मजबूर कर रखा है इनकी इन बातों की हज़त कुछ नहीं है अलबा इनकी ऐसी हरदर्मी की बातों से ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि दावत हक को कि किसी कीमत पर इन्होंने कबूल करना ही नहीं है उनके मुतालबात तो और इतराजा महसियात और तंग करने के बिना पे हैं तो ये क्या है तंग कर रहे हैं और क्या असल में इन्होंने बात मानी है ही नहीं ये कोई ऐसे जवाब नहीं है जिसकी बिना पे हिदायत को छोड़ दिया जाए इस कलाम को ना माना जाए नबी ससम के इनकार किया जाए कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि नबी है तो इसके पास बाग नहीं क्यों नहीं है तो अगर अल्लाह चाहे आपको एक बाग क्या क्या कि ऐसे पीछे बाग़ अता कर दे इसी तरह के लिए एक महल के पीछे महल अता कर दे और दूसरी जिन चीज़ों का नाम ये ले रहे हैं वो भी देने पर कहते हैं मगर सवाल ये है कि क्या ये फिर ये लोग ईमान ले आएंगे और इस सवाल का जवाब यकीन ये है कि ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाएंगे बल्कि फिर और किस्म की बातें बनाना शुरू हो जाएंगे कि इसके पास तो सब कुछ है इस वजह से क्या ये ऐसी बातें कर रहे हैं। वजह है यह कि ये लोग सीधे से क्या जी उठने और अल्लाह के सामने हाजिर होने अपने बुरे अमान के सजा रुकने पर यकीन नहीं रखते फिर ये लोग ऐसी कठ हो ना करें तो करें भी क्या वन दावा

आप इनसे पूछिए क्या अंजाम अच्छा है या हमेशा की जन्नत जिसका तो वादा किया गया है वो इनके अमलों का बदला इनकी आखिरी मंजिल ही होगी जो लोग ऐसे हर धर्म हैं कि देख के भी नहीं मानते तो क्या है उनके लिए क्या जहन्नुम तैयार की गई है और अपने शिकार को ऐसी जहन्नुम है अपने शिकार को ख़ुद ढूंढ लेगी और ऐसी है कि जो फ़ौर जोश में आएगी आपके लिफ्टों की तेज़ और तंदी कि तो वैसे इनमें कई तरह की खसरनाक आवाज़ें और फनकारें होंगी इनकी आवाज़ें सुन के ऐसे मौद हर धर्म लोगों को जहन्नुम में दाखिल होने से पहले ही क्या है इस चीज़ को सुन समझ लेंगे कि क्या जहन्नुम है क्या चीज़ इस साल में जहन्नुम के देखने का फेर यह मजाजन तो इस्तेमाल हुआ है जैसे हम कहते हैं हमारे घर तो एक अर्स से आपके राह तक रहा था क्योंकि में भी हो सकता है जिसका मतलब ये है कि जहन्नुम की आग में मशहूर होगा कि जो कोई जितना ज़्यादा मुजरम होगा उसी कदर उस पर भिपड़ेगी और उसी क़दर तेज़ी से इसे जलाएगी और जब वो इसमें फेंक के जाएँगे इस तंग जगह पर तो के उस वक्त ये मौत को पुकारेंगे कि जहन्नुम में हर मुजरम और इतनी चंग जगह होगी कि यहाँ से वो हिल ना सकेगा आलाबादी एक नवयत के कई कई मुझे एक साथ जंजीरों में रखड़े हुए होंगे जहन्नुम के गटे ने हर तरह से घेरे हुए होंगे इस वक्त इस मुसीबत से घबरा के मौत को पुकारने की काश में ताकि हमारे अंदर ना मुसीबतों को ख़त्म कर दें मगर क्या है उस वक्त इनकी ये पुकार इनके काम ना आएगा आज एक मौत के लिए को पुकार करते हो सैकड़ों मौतें मांगो तभी तुम्हारी ये ये हासिल है वो आर्ज़ू करेंगे कि एक बार मरे तो छुटकारा मिल जाए दिन में हज़ार बार मरने से जो बुरी हालत होती है इसे निजात पा दें मगर ये पुकार बिल्कुल बेसूद होगी कि उन्हें उस वक्त मौत नहीं दी जाएगी और जहन्नम काजाब चखेंगे और आप इनसे पूछिए कि क्या अच्छा अंजाम है जो हमेशा की जन्नत में जो भी जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है कुल अज़ालिका जन्नतुल खुल्दी अजाल खायल जन्नत खुलदीति वाल जसाउ रो इस में एक ईमानदार और आफे के इंजाम को जो काबिल तकबला पेश किया जाए काबुल मुकाबले में पेश किया जाए वो बड़ा मायने खैज़ है यानी रोज़ आखिर और तो माल की जजा और सजा के मालिक के मतलब एक अमकान ये कि फिर वाक एक, 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 एक ये भी है कि वो वाक़ होकर रहेगी और दूसरा अमकान ये भी है कि शायद ये सब कुछ फंसाना हो और ये दोनों बातें ऐसी हैं जो शायद तजर्बे में नहीं आ सकती और शख्स जो आखिरत में मान रखता है उस दुनिया में नहाय इस दुनिया में नहायत मता से डर के ज़िंदगी गुजारता है अगर बिलफ़ रोज़ आखिरत ना हो तो इसे कुछ भी नहीं बगाड़ पाएगा ये और अगर क्यामत कायम हो भी जाए तो इसके वाले नियारे हो जाएंगे सब अहार क्यामत के इस तौक़ु के मुताबिक इसके लिए खुशी का बायस होंगे क्योंकि उसने रोज़ राखत के अहार को मलहूज रख के ही ज़िंदगी गुजारे थे अब इसके मुकाबले काफ़ी से किया जाए तो काफ़ी के अंजाम थे उसकी तो खिलाफ क्यामत कायम होगी तो इसे ऐसे मसाइब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जिसके महमुख ख्याल में भी नया होगा दुनिया तो इन दोनों के जैसे एक जैसे ही गुजरी दोनों को इस दुनिया में राहत भी नसीब हुई गम भी बुरे दिन भी आए भले दुनिया में भी इस बात की जमानत है कि आखिरत पर ईमान ना रखने वाले बहरहाल इस बात की जमानत है कि जो आखिरत पर ईमान ना रखने बहरहाल आसूदा और खुशहाल रहेंगे ना ही जरूरी है कि ईमानदार सारी ज़िंदगी मुश्किल में ही गुजारेंगे लेकिन जान बह आखरत पर ऐमान रखने वालों का ही बेहतर होगा और रोजी आखिरत पर ईमान रखने वाले की अफादियत पर एक ऐसी अकली दलील वाकई है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك بعد مسؤولا وهنا جو كتش شاهنگ وهو هميشا بائنگ ملئگا وهو وما يحشرهم وما يعبدون من دون الله ما يقول أنتم ذللتم عبادي هؤلاء أم لهم ضل سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم

जात है हमारी जानना था कि तेरे किसी को खास साज बनाते मगर तो उन्हें इन्हें उनके बागजात को खूब समाने से तैयार यहाँ तक वो तेरे को भूल गए और ये लोग थे ही हलाक होने के काबिल यहाँ पे बात हो रही है कि ईमानदार लोगों पर और परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ताली का फ़ैसला हतमी है वादा हतमी है कि इन्हें जन्नत मिलेगी इस जन्नत में वो जो कुछ ख्वाहिश करेंगे उन्हें मुहैया किया जाएगा वो हमेशा हमेशा इस जन्नत में क्या पसी रहेंगे ये एक ही वादा है कि तीन अज्जा हुए इस वादे के सिलसिले में मुसलमान को हिदायत की जा रही है कि उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहा करें और जन्नत का मुतालबा करते रह करें जैसे कि मुसलमान को दुआ सिखाई गई अब नवा नवात तला रसूली का ये हमें ये दुआ मांगते रहना चाहिए फिर इसके बाद जो इनको वो अल्लाह के सवाब पूछते थे इकट्ठा किया जाएगा इन कि मबूदों से सवाल किए जाएंगे क्या कि तुम इन मेरे बंदों को गुमराह किया तो वो या खुद ही सलाह से भेगे थे तो वो कहेंगे तेरी पा के हमारी बजा लेते थे कि हम तेरे सिवा किसी को कारसाज बनाते मगर तूने इन्हें और इन, इन इनके बावज़ूद को खूब समान दिया यहाँ तक वो तेरी याद को भूल गए यानी महूदों को भी और उनकी बात करने वालों को भी इनके सामने आमने सामने ला खड़ा कर दिया जाएगा अल्लाह तारा अपने पहले मबूदों को मुखादब करके पूछेंगे क्या तुमने इनमें मेरे बंदे को कहा था कि हम तुम्हारी मुश्किल कुछ हाजत रवाए हैं लिहाजा हमारे इंसराने पेश किया करो हम क्या के दिन तुम्हें अल्लाह से खुशवा लेंगे या इन को गुजारो और या तुम्हारे खदेन बंदों ने खुद ही ऐसे की घर लिए है इस सवाल के जवाब में मबूद हजरात कहेंगे या अल्लाह हम तो खुद अपनी हाजत रवा मुश्किल के साथ समझते रहे खुद को तेरे ही सामने अपनी हाजिरतें पेश करते थे, तेरे रहे तेरे हजूर झुकते रहे तेरे यहाँ नजर न्यायाज गुजारते रहे तुझे अपना कार साथ समझते रहे, फिर भला हम हे कैसे कह सकते कि अल्लाह को छोड़ के हमें अपना साथ बना लो इस सवाल जवाब से वाजे तौर तो पर मालूम होता है कि यहाँ मबूदों से मुराद बुत नहीं क्योंकि बेजान का अल्लाह का का साथ बनाने का कुछ मतलब ही नहीं ऐसे सवाल जो आप अल्लाह अलैहि सलाम से भी करेंगे और जिन्हें इंसानों ने अपने मबूो बना रखा था और इसके हवाले से सतोमायदा की आयत नंबर एक सौ सोलह से एक सौ अठाना और सत्य सभा की आयत नंबर इकतालीस सौ बयालीस में इसका किस्सा मजकूर है और इस तरह का सवाल जो आप से भी हो गए जिनकी वो पूजा की जाती है इसके बाद मामूद अपनी बरीय का इजहार करने के बाद कहेंगे कि इनके गुमराह होने की असल वजह यह थी कि ये बदबक खुद ही गुमराह और तबाह होना चाहते थे इसका जाहिर सबब यह बन गया था कि तूने इन्हें के आवा उजदाद को ऐशो आराम लिया था ये लोग बस इसी ऐशो आराम में पढ़ के गफलत के नशे में चूर हो गए तेरी याद से बेनियाज हो गए किसी का नसीहत पे काना धरा फिर की हिदायत से आँखें बंद कर ली तो इन इन पर जिसके अंदर ज़्यादा मेहरबानी की इतने ही नमक ख़राब ये साबित हुए चाहे तो ये था कि चाहिए तो ये था कि इतनी नियमते पा तेरा शुक्र अदा करते मगर ये उल्टे मतकब्र तो बन गए और क्या है? मुकाबले भी उतर आए अब इनका अंजाम ऐसे लोग का अंजाम तो यही ऐसा ही होना चाहिए जो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करे और क्या है नियमते पा भी अल्लाह ताला के

तुम आज कहते हो इस दिन तुम्हारे माम तुम्हें जुटला देंगे फिर ना तुम अजाब से टाल सकोगे ना तुम्हें कहीं से मदद मिल सकेगी और जो भी जो तुम पे से जुल कर रहा है इसे हम सख्त अजाब का मजा खाएँगे और ए नबी वसलम हमने आपको पहले जितने भी रसूल भेजे हैं आपसे पहले वो सब खाना खाते थे बाजारों में चलते फिरते थे हमने तुमको हमने तुम लो, को लोगों लोगों एक दूसरे के लिए आजमाइश मिला के जरिया भेजा है तो क्या एक मुसलमान काफ़रों की तर तशनी पर सबर करोगे और आपका बड़ा सब कुछ देख रहा है यहाँ पे बात हो रही है कि क्या है कि इस दिन तुम्हारे मबूत तुम्हें झुठला देंगे फिर तुम ना आज आप टाल सकोगे ना तुम्हें किसी की मदद आएगी आज तुम ये गुमान करते हो कि अगर क्या हुई तो तुम्हारे ये मां बूत तुम्हारे वहाँ काम आएंगे अगर अज़ाब की कोई बात हुई तो ये हमें छुड़ा लेंगे मगर इस दिन तुम्हारे यही मबूत तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि हमने तो क्या है बेजारी का इजहार करेंगे कि हमने इन्हें नहीं बेकाया और ये क्या है कि तुम्हें झुला देंगे कि हमने कब इनसे कहा था कि तुम हमारी इबादत किया करना और इस तरह बाबू तो बनी विजुमा हो जाएंगे और सारा बोझ बुझकी इबादत करने वालों पर पड़ जाएगा जिनके हिसाब से ये दुहाई गिर रहा की कोई सूरत इनको न मिलेगी और जो भी तुम पर जुल्म कर रहा है इसे हम सख्त देंगे जुल्म का लफ्ज़ अदल की जिद है इसका तो हर बेसाफ़े की बात हर गैरमकूल बात पर होता है नबी की दावत को छुटलाना इस्लाम के राह से रोकना इस्लाम लाने वाले को तकलीफें देना इन्हें परेशान करना इनका मजाक उड़ाना बुतों या दूसरे महबूतों की इबादत करना इन्हें हाजत के लिए पुकारना आखिर केजाब से इनकार करना सब ई की किस्में हैं इन कामों तो का इंतकाल करने वाले सब धलिम ही कहलाए गए हैं कुरान पाक में तो ये ऐसे ही लोगों के लिए है कि क्या इनके लिए सख्त अजाब होगा जिसे ये चखेंगे और ए वसल्लम हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो सब खाना खाते थे बाजारों में चलते फिरते थे हमने तुम लोग को एक दूसरे के लिए आज़माइश का ज़रिया बना दिया है यानी ये एक आफरों के एतराज का जवाब है जिसका जिक्र इस सूरत के आयत नंबर सात में हमने पढ़ा कि कुफ़ाल मकाई ऐतराज़ महज़ कट जदती की बिना पर करते थे कि वरना व खूब जानते थे कि सैद ननऊना इब्राहिम सई न मूसी व्स नई साम सबके सब इंसान थे और ये कह इंसानों इन, इन, के लिए इंसान ही कहे बेहतरीन नमूनों हुआ करते हैं और बेहतरीन गाइड करने वाले हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के, के लिए खाते पीते हैं अम्बिया इंसान ही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की के के लिए खाते पीते हैं कस्बे माश या खरीद फरोख्त की खाते वो बाज़ारों में चलते फिरते भी हैं इन सब बातों के बावजूद लोग इन्हें रसूल तस्लीम करते थे खाना खाना या बुज़ुर्गों के बाज़ारों में चलना फिरना बुज़ुर्गी या नबोत के मुनाफी नहीं है फिर आखिर इस रसूल पर इनका इतराज़ किस लिहाज से दुरुस्त हो सकता है फिर अल्लाह तौर फरमाते हमने तुम लोग को एक दूसरे के लिए आज़माइश बना के भेजा है तो क्या तुम मुसलमान कुफार के ताने तशनी पर सबर करोगे आपका बरबदगा सब कुछ देख रहा है यानी अल्लाह ताला अपने रसूल भेज के सब लोग को आजमाइश में डाल के हर एक को खूब जांचता है ईमान लाने वाले को भी और काफरों को भी ईमान लाने वालों में से सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश तो रसूलों तो की होती है जैसे कि आपने सबने यानी सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश नबियों की होती है फिर इसके करीबी मोमिनों की फिर अगले दर्जे की मोमनियों की नबी की दावत में मुखालफत का एक तूफ़ान खड़ा होता है और इब्तदाई नबी की दावत पर ईमान लाने वाले माशरे के ऊर्मो सतम से आजिज़ हो आते हैं और सतए हुए कमजोर किस्म के लोग होते हैं इनकी इस मार्कान हाँ में खूब आजमाइश होती है यहाँ तक तो कि हर एक को मालूम हो जाता है कि फ़ला ईमानदार अपने दावे में किस कदर पुखता है और मुनाफिकों की भी छानती होती रहती है और काफियों का भी इम्तहान होता रहता है कि इन्हीं में से दुनिया में मानो तो दौलत और जाश चशम के लिहाज से एक कम तस् शख्स का दर्जा नगोत का दावा करता है कम शख्स नगोत का दावा करता है अपनी दावत पर पे पेश करता है और क्या वो अपनी कौवत और अपनी अना की वजह से हक तस्लीम करने को हक़ को तस्लीम करने से आमादा नहीं होते अगर कोई रसूल की दावत का इनकार करता है तो किस कदर सरकशी बगावत बगवत की राख्तियार करता है गोया एक नबी की दावत पर हक वादल का मवारको एक ऐसी भट्टी है जो अल्लाह ताला की अहम मुशीत के मुताबिक है और इसमें कई हमतें मजम्मी हैं छुपी हुई हैं और इस भट्टी से कौम एक एक फ़र्द की आजमायश होती है कि अल्लाह तजमाते हैं हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए आजमायश बना के भेजा गया है अब देखना यह है कि सबर कौन करता है यदि से मुसलमानों को यानी या तुम्हारी आजमाइश ये है कि आया तुम लोग इन काफिलों के नजायज़ एतराज इनके मज़ाक उड़ाने इनके तरफ से पहुँचने वाली तकलीफों पर सबर करते हो जबकि इसमें तुम्हारे लिए कई किस्म की मसलियतें और मौजूद हैं और ये कि आपका परवरदगार जो है वो सब कुछ देख रहा है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे परवरदगार ने सबको जो रुमाइश में डाला है तो उसके मसलियतों तो को देख के ही डाला है दूसरा मसला मतलब यह है कि मोरक में जो लोग हक़ का साथ दे रहे हैं इन्हें भी देख रहा है और जो इसके राह से क्या है रोक के बन के खड़े हो गए हैं इन्हें भी इन, इनकी कारस्तानियों की तर, अच्छी तरह से जान चला है वकाल لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا قد استكبروا في أنفسهم أتوا وأتوا أتوا كبيرا ويوم يرون الملائكة لا يبشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते थे वो कहते हैं मैं फरिश्ते क्यों नहीं उतरे या हम अपनी ही आंखों से देख लें अपने दिल में बड़े बड़े, बड़े बन के बैठे हैं अपने दिन में बड़े बन के बैठे हैं और बहुत बड़ी सरकशी में मुबतला हो चुके हैं जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे वो दिन ऐसे लिए कोई खुशी का दिन ना होगा और पुकार उठेंगे कि तुम इनसे हम तो तुमसे पनाह मांगते हैं और जो कुछ उन्होंने किया धरा हो गई तो तवज्जो करेंगे तो इसे उड़ता हुआ गुबार बना देंगे और इस दिन अहली जन्नत का ठिकाना और तो पहर को आराम करने का मुकाम बेहतर होगा यहाँ पे बात हो रही है कि गुफार मुक्का के, के मुखल किस्म के, के जो मुतालबात थे उसमें से एक मतालबा ये भी था कि फरिश्ता नासिल होना चाहिए था और ऐसे ही हमें से हर एक फरिश्ता उतरना चाहिए था ताकि हमें पूरा यकीन हो जाता कि तुम्हारी जो दावत है वो दुरुस्त है अगर ये नहीं हो सकता तो कम अज़ कम अपने रब को ही देख लें जो हमें एक दफ़ा ये कहते हैं कि फ़िलहाल शख्सूल रसूल बना के भेजा गया है तुम इस पर ईमान ले फरमाते हैं कि इनके ये मुतालबात इसलिए नहीं कि अगर इनकी बात पूरी की जाए तो ये मान लाने को बिल्कुल तैयार बैठे बल्कि ये लोग ऐसे लोग के बकवास कर रहे हैं इन्हें ये, ये यकीन है कि नहीं है कि मरने के बाद इन्हें दोबारा अल्लाह के हजूर पेश होना है और अगर इस बात का यकीन होता तो वो कभी ऐसी बातें बनाते ही ना और जिस दिन ये फरिश्तों को लेंगे वो दिन ऐसे मुझे कोई खुशी का दिन ना होगा और वो कार्य हम तो तुमसे पना मांगा मांगते हैं फिर अल्लाह ताली कहते हैं इन फरिश्तों को देखने के लिए जो तुम क्या बड़ा वो कर रहे हो कि हमें दिखा दिया जाए तो क्या जब ये नज़र आएंगे तो क्या ये फरिश्ते इस शख्स में जो इनके ख्याल के मुताबिक इनसे कम दर्जे का आदमी नाजिल होगा तो इन लोगों पर क्यों नाजिल नहीं हुआ था या फिर खुद अल्लाह तैयार इन बातों की यकीन दहानी कराएगा शख्स की बातों पे आखिर हम लोग कैसे यकीन कर लें तो इनके फरिश्तों के देखने की तीन सूरतें होंगी वो दुनिया में एक आखिरत में दुनिया में दो दुनिया में दुनिया में ऐसे लोग फरिश्तों को बच्च में खुद देख लेते हैं जब वन पर कपड़े कहरे अला ही लेकर नाजिल होते हैं और उस वह इस वक्त जब इनकी जान निकालने के बाद इस वक्त आएंगे यानी तो दुनिया में दो मतलब फरिश्ते देख सकते हैं कि एक तो असाब लेके आते हैं इनके लिए अगर ये कल रखें तो ये समझ सकते हैं और दूसरा ये कि जब मौत के वक्त ये फरिश्ते आएँगे और क्यामत में तो हर एक वक्त ही फरिश्तों को देखा करेंगे और वो वक्त और सूरत भी के इसलिए कोई खुशी की बात ना होगी बल्कि जब भी वो इनके पास आएंगे कहरे अल्लाई बन कर ही आएँगे

को क्यों गुब्बार बना दिया जाएगा क्योंकि क्या है क्योंकि जब फ़ारे मकान मुसलमानों से कहा करते थे कि अगर तुम कुछ अच्छे काम करते हो तो हम भी बहुत से अच्छे काम करते हैं हम आजों की गिरी करते हैं पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं इनकी इमदाद करते गरीबों मुस्किन बेवाओं के लिए फंड कट्टा करते हैं इन्हें वज़ीफ़े देते वगैरह वगैरह यहाँ का के ऐसे ही अच्छे अमार का जिक्र करके अल्लाह तौला फरमान हैं हम इनके ऐसे इनकी तरफ जो है बढ़ेंगे उन्हें उड़ता हुआ गबार बना देंगे वजह यह है कि इन्होंने अमाल इस गर्ज से तो नहीं किया कि इसको आखिरत में इनका कुछ बदला बने मिले बल्कि क्योंकि वो आखिरत तो यकीन ही नहीं रखते थे इनके अमार की कुछ बुनियाद ही ना थी जिस वो कायम रह सकते चनानचे दुनिया में अगर उन्होंने कुछ अच्छे अमाल किए भी हैं तो सिर्फ इस कर्ज के लोग इन्हें अच्छा समझे अच्छा कहे और ये काम दुनिया में हो चुका और इनके अच्छे बदले अमाल का बदला इन्हें दुनिया में मिल चुका आखिर में अब इनको क्या मिलेगा इसी हकीकत अल्लाह है कि, कि तत्काल तो में यूँ फरमाया फ़लानी यानी हम ऐसे लोग के मैजान अमाल रखेंगे ही नहीं वजह यह है कि इनके अच्छे अमाल तो उड़ता हुआ अखबार बन जाएंगे अब नेकियों के पढ़ने में रखने के लिए क्या चीज़ बाकी रह जाएगी जिसे मैजान पर रखा जाए इसीलिए उनके अमाल को गुबार बना दिया जाएगा और साबिल जन्नत ही युम खैर मुस्तक असनमक़ीला और इस दिन अली जन्नत का ठिकाना और दोपहर को आराम करने की जगह का मुकाम बेहतरीन मुकाम होगा इससे क्या मुराद है कि क्या के दिन हमारे मौजूदा हिसाब से पचास हज़ार साल का एक दिन है इस दिन की भी दोपहर और शाम होगी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दोपहर से पहले पहले लोग के हिसाब से किताब से फारो हो जाएंगे अहले जन्नत जन्नत में अहले दो सौ में चले जाएंगे इस आयत से मालूम होता है कि अहले जन्नत दोपहर के बाद जन्नत में ही जाकर सोएंगे क्योंकि कलूला दोपहर के सोने को ओम किला दोपहर के बाद सोने की जगह को कहते हैं लिहाजा हदीस में जो आया है ममिन अहले जन्नत को यह पचास हज़ार साल का दिन ऐसा हल्का महसूस होगा जैसे किस फर्ज किसी फर्ज़ नमाज का वक्त होता है यो योम योम तशक्क़मा बिल्कामी उस का मलायक तंजीला और फिर उस दिन आसमान को चीते हुए एक बादल में मददार होगा और फरिश्तों के झुंड के झुंड उतरेंगे इस आयत का मतलब तो वही है जो तर्जुमे से जाहिर होता है कि जिस मादे से आसमानों की तकलीफ हुई या फिर इसी मादे से वापस लौटा दिया जाएगा जिस तरह शुभ मस्तवाई इसमान वाहिया खान फिर अल्लाह तमाम बुलंदी की तरफ मतवजा हुआ इस वक्त उस धुआं था दूसरे मुकाम पर हमारे आसमानों ज़मीन में सब कुछ गड़मट जुए हुए जुड़े हुए हैं तो अल्लाह तैयार ने खोल खोल के अलग अलग कर दिए पहले इतदा में सिर्फ धुआं ही धुआं था या गैसों का मज हुआ था फिर इसी से अल्लाह तमीनों आसमान बनाए और यह क्यात को आके आसमान इसी तरह धुएँ में दोबारा तब्दील कर दिए जाएंगे وإذني بعد اللصفة يشتمل عن الشرك تلف جوخ دا جوخ تعدية يعني الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعز الظالمون على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني أن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. उस दिन हकीक़ी बादशाहत रहमान की होगी ये दिन काफरों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा उस दिन तालिम अपने हाथों को काटेगा का। और कहेगा का काश मैंने रसूल के साथ अपनी अच्छी रविश अख्तियार की होती काश मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे बेका दिया शैतान तो इंसान को मुसीबत बढ़ जाने में छोड़ जाने वाला है क्यामत के दिन अलाकेले की फरमाबरदारी और अल्लाह ताली की बादशाहत होगी और सब इंसान बिल्कुल बरहाना से उठा के खड़े कर दिए जाएंगे हज़रत ऐसी रजोलना कहते हैं कि नबी सारे लोग क़यामत के दिन नंगे पाँव नंगे बदन हर्षक किए जाएंगे मैंने कहा यारसोल्लाबाद और एक दूसरे को सतह देखेंगे फरमाया आयशा आमद का मामला ऐसे ख्यालों में शदीद तर होगा यानी ऐसे ख्यालों से शदीद तर होगा कि इंसान एक दूसरे की तरफ देखे भी नहीं और इब बात करते कि रसोल्लासम हम लोगों को खुतबा सुनाते हुए खड़े हुए फरमाया तुम लोग नंगे पाओ नंगे बदन हशन में इकट्ठे किए जाओगे जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमा दिया जिस तरह तुम्हें शुरू में पैदा किया गया इसी तरह तुम्हें दोबारा पैदा करेगा और तमाम अखलूक में जिसे सबसे पहले लिबास मनाया जाएगा वही सैद इब्राहीम होंगे अब देखिए ये जहाँ ये सूरत हाल होगी हर किसी को अपनी पड़ी होगी तो किसी को बादशाह के ख्याल कैसे आ सकता है और दुनिया के बादशाह तो और भी सख्त हालत में होंगे और उस दिन जालिम की पहली हसरत क्या होगी काश उसने रसूल के साथ जैसे कि रविश अख्तियार की होती रसूल के रस्ते को अपनाया होता फिर कहें जिस तरह हम कहें मोमिन के लिए क्यामत के दिन की मदद इतना ही और आसान बना दी जाएगी इतनी तवील काफिलों के लिए बना दी जाएगी क्योंकि दुनिया में ये चीज तजर्बा शुरा साबित है कि मुसीबत के चंद लम्हा इतने तवील और तर और शदेद तर मालूम होते हैं जैसे कई सालों से वो ये दुख सहरे हैं दूसरी हसीयत की काश हमने फला शख्स को दोस्त न बनाया होता यानी ये कहेंगे कि काश हमने क्या है नानी ऐसी दोस्त तो की बात हो रही है जो खुद भी खुदा रास्ते रास हटता था अल्लाह के रास्ते से हटता था उसको भी हटाता था हटा देता था इस रास्ते से रसूल की पैरवी से रोकता था तो ये ऐसे लोग के बारे में एक ये हसरतें होंगी इस वक्त धालूम की कि क्या कहाँ आश ये कर लेते कहाँ आशिए कर लेते और अल्लाह ताल फिर कहते हैं कि क्या जो इसको अभी याद आ रही है बात कि इसने मेरे पास नसीहत आ जाने की जो भी बेकार है तो शैतान तो मुसीबत पड़ जाने में छोड़ जाने वाला है हजूला के मानी किसी की मदद करना करना है बल्कि मदद के वक्त भी साथ छोड़ जाना है हजूल ऐसे दोस्त को कहा जाए जो जुबानी तो दोस्ती के दावे बड़े करता है दम भरता है लेकिन मुसीबत के वक्त साथ छोड़ के चला जाता है दगा देने वाला होता है और शैतान के लिए लफ्स बिल्कुल रास आता है क्योंकि वो हमेशा इंसान को सब दिखाकर खुशनुमादे देकर फिर कहने को बुरा करता है फिर मुश्किल पड़ने पर दुनिया में भी साथ छोड़ दे तो आखिर में भी यही काम करेगा और यही फसल शैतान के दोस्तों या शतान से इंसानों की भी होती है वकाल रसूल वाल इन कौम तख और कुराना महजूर आ और रसूल कहेंगे कि परवरदगा में तो कौम के लिए यही लोग हैं जिन्होंने इस कुरान को तस् का निशाना बनाया था इसी तरह नबी हमने मुजरमबी का दुश्मन मनाया है वजारे का जाल नबीन मुजरमी रबी का हार और हमने मजरुमनबी का दुश्मन बनाया है और आपका परवरदगा रहनमाई करने में और मदद देने में काफ़ी है मजदूर का मतलब है कि छोड़ देना किसी को कम कीमत जान के जान के इसको छोड़ देना तो अगर कुरान के बारे में ये बात हो गई यानी उन्होंने कुरान की अहकामों को और इस पर अमल करने को मामूली जाना और उसे पेशपुरश डाल दिया तो ऐसे लोग के लिए क्या है आज के मुसलमान ने भी क्या है आज इसी तरह किया कि राय ले, ले ली और कुरान से गफलत में पड़े रहे उमा ने जो दिन सिखा दिया उसी को सीख लिया तो क्या इन लोगों ने मक़ाल रसूल रसूलियाार अभी इन नौमी तकज बहादुर कुराना मजूरा मेरी कौम के लोग ही थे जिन्होंने कुरान को कैसे निशाना बनाया किस चीज़ का मजाक आ इसी तरह हमने हर मुजरम को हर नबी का दुश्मन बनाया है आज कल के मुसलमान के आवाम के सब इस इसम के मुजरम है किमा की कुरान से का यह हाल है कि हमारी हमारे जो मदार निज़ामी राइज है वहाँ में कुरनों के तर्जा तफसीर की बारी तो आखिरी साल में आती है और छः साल के कोर्स में साल में से किसी आठ या नौ साल तक यहाँ चलता है और क्या इस तवील मदद में सिर्फ कुरान के समझने के लिए एक साल होता है बाकी चीज़ें क्या है इसके फेक अलबिक्रैम और तरह तरह के नज़रियात को पढ़ने में गुजर जाती है जो मेन मकसद है इस इल्म का इस कुरान का पढ़ने का वो कहीं दूर ही रह जाता है तो एक तो बात यह होगी कुरान को छोड़ दिया उर्मा ने ही छोड़ दिया और दूसरी बात यह कि कहे आम आवाम ने क्या इस कुरान को बस देश में खुलाफों में लपेट के अपने मकानों में रख लिया है और किसी मुसीबत पढ़ने पर या किसी की शादी भी आपे इसके नीचे से गुजार ऊपर रख के इसको नीचे से गुजार दिया जाता है इस इंसान को तो यही हमने कुरान का यूज़ किया आज के ज़माने में तो अल्लाह ताला कहते हैं ये चीज़ें क्या कुरान का मजाक बनाने के बराबर है जो तुम कर रहे हो कुरान को जब्ता है या ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया गया था पूरा आपको असूल दिए गए थे लेकिन आपने इसको क्या, है, क्या बना दिया है सिर्फ मजाक का निशाना बना दिया है और तो आज के मुसलमान तो इस हद तक चले, आगे चला गया है कि क्या इस कुरान को काबिल अमल समझता ही नहीं है कि इस पर भी अमल किया जा सकता है आज के ज़माने में फिर अब इस असल की बासत का मकसद बताया जाए कि लोगों को रसूल के इतात करनी चाहिए असल में इन काफिलों को ये चीज़ बर्फ नहीं हो रही थी कि जिन की बात लोग पहले मानते थे वो जो सरदार थे उनकी बात मानी जाती है और नबी ससम के तबूत के दावे के बाद वही लोग आप के फरमाबदार और ततगुजार बन गए इन्हें छोड़ दिया तो यही चीज़ इनको क्या दुखी कर रही थी तो क्या आपका बेरोज़गार रहनमई करने वाला है और मदद देने को काफ़ी है यानी अगर वो इस चीज़ पर कि क्या आवाम आपको छोड़ भी जाए और आपके रास्ते में इस रास्ते में साथ ना भी दे तो आपको क्या गमगी नहीं होना चाहिए आपको मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह आपकी मदद के लिए काफ़ी है अभी काफ़ी का एक अगला काफ़ी रूस कुराना जमुना वाहि कर सब तक भी फौत वतना वर तल ना हूँ वरतल ना हो तरती कि क्या है काफ़ी ये कहते कि ये सारा कुरान एक बार ही हीसन पर नासिल क्यों नहीं हो गया उतार क्यों नहीं दिया गया बस बात ऐसी ही है इसलिए कि आपकी मानते हैं इसलिए कि हम आपको ख़ास तरतीब से पढ़ के सुनाते चाहें यानी कि कुफ़ार के इतराज़ के अल्फा तो यही होते थे लेकिन उनफा से मतलब वो कुछ और ही ले लेते थे वो जो ये था कि नबी जैसे जैसे हालात इख्तियार करते साथ ही कुरान उसकी तस्नीफ़ करता जाता है वरना अल्लाह ताला को तो आने वाले हालात के पहले से इल्म होता है अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नाजशुदा होता तो उसमें हर किस्म के हालात पहले ही बताते ही जाते और एक दफ़ा में ही कुराना होता था ये इतिराज़ करके वो गोया अल्लाह उसके रसूल कुरान के सबकी तकलीफ करने पर आमादा करते लोगों को और क्या है जब कुरान को अल्लाह ताली कहते हैं कि मैंने क्या अल्लाह ताला इसके मुकाबले में क्या कहते हैं मैंने इस कुरान को आपके लिए अठारह बनाया और इसलिए कि खास वक्फ वक्फ़ से पढ़ के सुनाए तो कुरान के बदतरीज नाजिल आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होने के फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं कि इससे क्या होता है नबी की दावे बादल का मबनी होती है जिस तरह बादल हजूम की तरह कर हजूम करके भाग पर डर जाता है तो ये मार्का अभी एक दो दिन का किस्सा नहीं होता बल्कि नबी की पूरी ज़िंदगी पर मुहित होता है और जब भी हालात मुसलमान के लिए हौसला शिकन होते हैं तसली देने के लिए उन्हें थानाने की जरूरत पेश आती है तो इस वजह से क्या है जो अल्लाह ताली साथ आयात नाजिल करते रहते हैं और फिर इसी तरह के कुरान का हिफ़्स करने से समझना से अमल पैर उन्होंने पूरी तरह ज़िंदगी को मैं तब्दील करना इसी सूरत में मुमकिन है कि कुरान को आहिस्ता आहस्ता नासिल किया जाता इसी तरीके से क्या कि है काफ़ी जिस किस्म के इतराज़ आप में करते हैं तालबात करते हैं हम साथ के साथ इन इतराज़ा के वाज्ल जवाब दे देते हैं जो किसी एक नबी के लिए मुमकिन नहीं ये जवाबा अल्लाह ताला ही दे सकता है इसी तरह काफ़ियों के इस किस्म के इतराज़ा की सल वजह भी बता देते हैं कि वो एक फ़ला इतराज़ क्यों कर रहे हैं श्री अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक शख्स ने इसके या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के दिन काफ़ी अपने मुँह के बल किए जाएंगे ने पर, पर को दो पाँव में चलाया क्या वो दिन मुँह पर नहीं चला सकता और हमें इस किताब का आहिस्ता आहिस्ता तरतीबाद नाजिल करना कि आपको सुनाया जाए और आपके पास कोई मिसाल है तलास तो उसका ठीक और बजस्तर जवाब दिया जाए और बेहतरीन वजह पेश की जाए ऐसे लोग ऊँधे में जहनम की तरफ लाए जाएंगे इनका ठिकाना बहुत बुरा होगा ये सबसे ज़्यादा गुमराह लोग हैं यानी काफिरों के एतराज की असल वजह उनकी अकली खो चुकी है वो क्या मतलब की ऊंधे मूँ जहनम की तरफ लौटाए जाएंगे क्योंकि ये कुरान का तरतीबाद नाजिल होना अगर वो ज़रा से गौरविक्र करते हैं कल से काम लेते हैं तो उनको पता चलता कि कि है कि ऐसा क्यों है मगर इन्होंने इसी को इतराज़ बना दिया कि कहें अगर अल्लाह का कलाम होता तो एक साथ आता है ये तो नबी हजन ने खुद कर लिया वक्त के साथ साथ जैसी मुश्किल आती है वैसी आयात कैसे नाजिल हो सकती हैं तो कहते हैं कि वाजहे बता तो दिया कि कहें आपके पास हक़ के साथ आया है और बेहतरीन तफसी करने वाला है और उस दिन ऐसे लोग जो इस करते हैं उनके लिए जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है और बहुत बुरा रास्ता है गुमराहि का रास्ता यहाँ पर हमारा पहला रुको कंप्लीट होता है आज के लिए लेक्चर यहीं तक है इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं यानी सोतल फ़ुरान हमारे दो पार्ट्स में मुश्तिल होगी इस हवाले से आपके कुछ सवालात जो भी सवालात हैं आप सलाम एट द रे कुरानी कॉर्स डॉट कॉम पर भेज सकते हैं دواء التي وآخر دعوانا دعاءنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته